नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे हाईटेक के हाईटेक इंस्टीट्यूट साहा मार्केट आगरा से। मैं राहुल मिश्रा आपका अपने YouTube चैनल पे फिर से स्वागत करता हूँ। फिर रूबरू कराते हैं एक नए टॉपिक के साथ, अपने एक्सपर्ट से मिलते हैं और जानते हैं स्टूडेंट्स की राय है कि वो क्या सीख रहे हैं और कैसे सीख रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं। तो चलते हैं क्लास की तरफ, जो आज एक सेशन पढ़ाया जा रहा है उसकी तरफ बात करते हैं। तो मिलते हैं अपने टॉपिक के साथ। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का हमारा क्या टॉपिक है सर? सर आज हम इन्हें पावर सप्लाई के बारे में बता रहे हैं, इससे कैसे टेस्टिंग होती है, डेड फॉर्म कैसे चेक किया जाता है, ऑन फॉर्म कैसे चेक किया जाता है, शॉर्टिंग का पता कैसे करते हैं, हाफ शॉर्टिंग का पता कैसे करते हैं। तो मोस्टली हमारे सारे फॉल्ट लगभग 80% इससे क्लियर हो जाते हैं कि सेट के अंदर प्रॉब्लम क्या है। नहीं, इससे क्या पता चलता है? हार्डवेयर को लेके पता चलता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है? हार्डवेयर का भी पता चलता है जी, फॉल्ट है। सॉफ्टवेयर का भी पता चलता है। सॉफ्टवेयर में क्या पता चलता है? जैसे सॉफ्टवेयर में जैसे सर इसके अंदर है ना, हम जब पावर लगाएंगे और प्रेस करेंगे पावर की जी, तो इसकी वैल्यू बताती है कि लगभग 150-100 तक ये जाएगी, और रिटर्न में अगर 50-40 तक आती है और वहां पे स्टेबल हो जाती है तो ये सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग फॉल्ट होगा। ओके, तो मतलब कहने का ये है कि पावर सप्लाई जो ये मैं बात कर रहा हूँ, ये पावर सप्लाई सुगोन 3005 डीसी पावर सप्लाई थी। इसका टॉपिक मतलब आप सारे लोग पढ़ रहे हैं? आप लोग की आवाज कम आ रही है। ठीक है, तो आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी टूल्स को अगर आप इस्तेमाल करना आपको अच्छे से आता है तो आपको रिपेयरिंग करना भी आसान होगा। कभी भी मैं आपको एक बात फिर से बताना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, अगर आपको रिपेयरिंग सीखनी है तो रिपेयरिंग में जो होने वाले इस्तेमाल होने वाले टूल्स हैं उनका इस्तेमाल भी आपको मलाई की तरह आना चाहिए। कैसे? मलाई की तरह। ठीक है, तो उसी टॉपिक पे आप सर बात कर रहे हैं। तो सर मुझे सर बताएं आगे कि इसका कैसे क्या इस्तेमाल है पावर सप्लाई का। ये सैमसंग का फोन है हमारे सर, ये क्या चीज है? ये इसकी बूट केबल है। ओके, किस मतलब किस ब्रांड की है ये? ये मैकेनिक की है। और इससे हमें पता चलता है भाई सर्किट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, अगर ओवर वोल्टेज आते हैं या शॉर्टिंग सेट में होती है तो ऑटो कट होती है जी, इससे हमारी मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और सेट को भी कोई प्रॉब्लम। ठीक है, मैं भी सर स्टूडेंट के साथ सुन लेता हूँ, आप स्टूडेंट को समझाइए। देखो ये सैमसंग का एक फोन है, हमें इसे कैसे चेक करेंगे? इससे हमें फोन ऑन करने के लिए पहले इसके वोल्टेज चेक करने होंगे। वोल्टेज सेलेक्ट करेंगे हम 3.7 से और 4.2 तक सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था 3.7 से 4.2 तक हम इसके वोल्टेज रखेंगे फोन ऑन करने के लिए। एम्पियर हम लेंगे 5 से 2.0 तक, 1.5 से 2.0 तक। इसकी ये मेमोरी होती है चैनल 1, चैनल 3, चैनल 4। चैनल 1 में इसे सेव करेंगे, कंटिन्यू प्रेस करके रखेंगे, ये मेमोरी हमारी सेव हो जाएगी। ठीक है, इससे क्या है अभी जैसे हम ये वोल्टेज चेंज करेंगे तो इसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो वो सेट हो गए ऑटोमेटिक। अभी हम फोन ऑन करके देखेंगे